Dear students, assalamu alaikum. I welcome you in another lecture video of the course project management. तो हम जो हैं वो सी पी एम को स्टडी कर रहे थे और आज हम इस वीडियो में सी पी एम का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. सी पी एम मीन्स क्रिटिकल पाथ मेथड. तो हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना सिखाया था और हमने एक कंडीशन डिस्कस करी थी जिसमें हमने ये बात कही थी कि जो है ज़रूरी नहीं है कि हमें हर दफ़ा जो अपना एल एफ लेना है वो यही वाला लेना है. कौन सी कंडीशन होगी जिसमें हमारा एल एफ जो है वो चेंज हो जाएगा. तो ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक फिनिश नोड है तो हमें उस फिनिश नोड में से कौन सा वाला एल एफ जो है वो सेलेक्ट करना होता है. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है. आप देख सकते हैं ये ए सी मीन्स एक्टिविटी, आई पी डी इज़ जो आपके इमीडिएट प्रीडेसेसर्स होते हैं और ये ड्यूरेशन है. ठीक है, तो आपके पास जी तक एक्टिविटीज़ दी हैं, ये उनके इमीडिएट प्रीडेसेसर्स गिवन है और ये उसकी ड्यूरेशन गिवन है. तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या है कि हम इसका ए ओ एन यानी एक्टिविटी ऑन नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लें. ठीक है, तो अगर हम एक्टिविटी ऑन नेटवर्क डायग्राम इसकी कंस्ट्रक्ट करें तो वो कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगी. ये देखें, सबसे पहले मेरे पास ए और बी के कोई प्रीडेसेसर्स नहीं है तो ये मैंने एक स्टार्ट नोड लिया. ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मेट 2 है. ठीक है, हम फॉर्मेट 2 के ज़रिए से अब अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. आपको याद होगा हमने 2 फॉर्मेट जो है वो डिस्कस किए थे और पिछला क्वेश्चन हमने फॉर्मेट 1 से किया था और अब जो हम करेंगे वो फॉर्मेट 2 से सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ए और बी. ठीक है, उसके बाद फिर मेरे पास सी जो है उसका प्रीडेसेसर कौन है, ए. तो ये देखिए ये मैंने फिर ए से जो है वो अपना सी बना दिया. ठीक है, उसके बाद फिर जो मेरे पास डी है वो ए और बी से बन रहा है. तो ये रही मेरे पास एक्टिविटी डी जिसको मैंने ए और बी दोनों से कंबाइन कर दिया. ठीक, उसके बाद फिर ये मेरे पास एक्टिविटी ई है जो किससे बन रही है, डी से बन रही है. तो ये मेरे पास एक्टिविटी डी है, ये देखिए ये एक्टिविटी डी है, इससे मैंने ई कनेक्ट कर दिया. देन फिर मेरे पास एक्टिविटी एफ़ है जो किससे, सी और ई से बन रही है. तो ये देखें ये एक्टिविटी एफ़ है, इसको यहाँ मैंने सी से कंबाइन किया और यहाँ मैंने ई से ज्वाइन कर दिया. ठीक है, उसके बाद फिर एक्टिविटी जी है जिसका प्रीडेसेसर कौन है, ई है. तो हमने ये एक्टिविटी जी को जो है वो ई से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, उसके बाद क्योंकि मेरे पास ये दोनों जो है आपस में कहीं कंबाइन नहीं हो रहे थे और हमने ये बात डिस्कस करी थी कि हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग नोड जो है वो सिर्फ एक ही होती है, तो इन सच केस हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है वो दोनों एक्टिविटीज़ को एक फिनिश नोड से कनेक्ट करना पड़ता है. ठीक है, तो ये सारा काम हमने कर लिया है और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि ये डायग्राम्स किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती हैं. तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं और आपको इसकी कंस्ट्रक्शन में कोई क्यूरी है तो आप जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट से तमाम की तमाम वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये आप लोगों को डायग्राम दिख रही है. ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को पूरा किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया वो बता दिया और हम फॉर्मेट 2 यूज़ कर रहे हैं. तो फॉर्मेट 2 हमारा कैसा था, कुछ इस तरीके का था कि यहाँ पे मेरे पास एक्टिविटी का नाम आता था, यहाँ पे उसकी ड्यूरेशन आती थी, ये उसका अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटर स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश. ठीक है, तो ये मैंने तमाम एक्टिविटीज़ के नाम और उनकी जो ड्यूरेशंस गिवन है मुझे क्वेश्चन में, ये सारी ये मैंने लिखी हुई है. ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है, अब हमें अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश कंप्लीट करना होता है हर एक्टिविटी का. ठीक है, फॉरवर्ड पास में मूव करते हुए. तो हमारे पास क्योंकि ए और बी जो एक्टिविटीज़ थी उनके कोई आईपीडी यानी इमीडिएट प्रीडेसेसर्स नहीं थे तो हमारे पास उनके अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होंगे, 0 0 होंगे. ठीक है, फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा था अर्लीस्ट स्टार्ट के बाद ई एस, उसका क्या फॉर्मूला था, ई एस का फॉर्मूला था दिस ई एफ प्लस दिस एक्टिविटी टाइम. ठीक है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 0 + 7 इट बिकम्स 7 एंड हेयर 0 + 9 इट बिकम्स 9. ठीक है, फिर हमारे पास जो एक्टिविटी सी थी वो किससे बन रही थी, एक्टिविटी ए से. तो जो इसका ये ई एफ आया है वही इसका क्या बन जाएगा, ई एस बन जाएगा. तो ये मेरे पास आ जाएगा 7. ठीक है, उसके बाद फिर अब हमें क्या करना है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 7 + 12. तो 7 + 12 बिकम्स 19. तो ये हमने 19 इसका क्या लिख दिया, ई एफ लिख दिया. ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी डी की तरफ. तो एक्टिविटी डी जो थे उसके प्रीडेसेसर्स कौन थे, मेरे पास एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी दोनों थे. तो ए में मेरे पास जो है वो 7 है और बी में मेरे पास 9 है. तो क्योंकि हम फॉरवर्ड पास में मूव करते हुए मैक्सिमम सेलेक्ट करते हैं तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, हम 9 सेलेक्ट करेंगे.
देन मुझे जब इसका ई एफ निकालना है तो वो कैसे, इन दोनों को ऐड करके निकलेगा, यानी कि ई एस प्लस एक्टिविटी टाइम, ठीक है। तो 9 + 8 17, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर 17 लिख दिया। अब डी के बाद हम चलते हैं ई की तरफ। तो ई जो है उसका प्रीडेसेसर कौन था, सिर्फ और सिर्फ डी ही था। तो जो इसका ई एफ आया है वही इसका क्या बन जाएगा, ई एस बन जाएगा। देन आप 17 में 9 ऐड कर दीजिए तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 26। तो ऐसे इसका ई एफ भी निकल आया, ठीक है। ई के बाद अब हम चलते हैं एफ की तरफ। तो एफ जो है उसके प्रीडेसेसर्स कौन थे, सी और ई दोनों थे। तो अब हमें सी को भी देखना पड़ेगा और ई को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सी जो है वो मेरे पास 19 है जबकि ई 26 है। तो हम मैक्सिमम सेलेक्ट करते हैं फॉरवर्ड पास में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 26 लिख देंगे, ठीक है। अब 26 प्लस 6 करें तो आपके पास बनेगा 32। तो इस तरह से ये एफ का हमारे पास ई एफ यानी कि अर्लीस्ट फिनिश भी आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्टिविटी जी की तरफ। तो एक्टिविटी जी जो है उसका प्रीडेसेसर सिर्फ और सिर्फ ई था। तो जो इसका ई एस होगा, सॉरी ई एफ होगा, वही इसका क्या बन जाएगा, ई एस यानी कि 26। तो अब मुझे अगर इसका ई एफ निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, ई एस प्लस एक्टिविटी टाइम यानी कि 26 प्लस 5। तो इट बिकम्स 26 प्लस 5 बिकम्स 31, सही। ये तमाम चीज़ें मैं आपको कैलकुलेट करना पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप काइंडली उन वीडियोज़ को लाजमी देखें ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएँ। तो ये हमारा फॉरवर्ड पास जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें बैकवर्ड पास कंप्लीट करना है। लेकिन बैकवर्ड पास के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक फिनिश नोड है, ठीक है। तो इन सच केसेस हम क्या करते हैं, जब हमारे पास फिनिश नोड नहीं होती तो जो हमारी आखिरी एक्टिविटी का ई एफ होता है उसी को हम एज इट इज़ एल एफ लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे। इस केस में क्योंकि हमारे पास एक फिनिश नोड है तो हम देखेंगे उस नोड से कितनी एक्टिविटीज़ कनेक्ट हो रही हैं। दो एक्टिविटीज़ कनेक्ट हो रही हैं तो जो जिसका ई एफ ग्रेटर होगा वो हम लिखेंगे दोनों एक्टिविटीज़ में एज इट इज़, ठीक है। तो मीन्स 32 और 31 में से ग्रेटर कौन है, 32। तो मुझे यहाँ पर भी 32 एज इट इज़ लिखना होगा और यहाँ पर भी 32 एज इट इज़ लिख देना होगा, ठीक है। अब क्योंकि मैं बैकवर्ड पास मूव कर रही हूँ तो मेरे पास इन दोनों एक्टिविटीज़ का एल एफ तो आ चुका है, मुझे एल एस निकालना है, ठीक है। तो एल एस का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने एल एस का फॉर्मूला पढ़ा था एल एफ माइनस टी, यानी कि इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, ठीक है। तो 32 माइनस 5 इट बिकम्स 27। तो जी तो हो गया मेरे पास। उसके बाद अब हम चलते हैं एफ की तरफ। तो एफ का जो है वो यहाँ पे मैंने 32 ऑलरेडी लिख लिया है, सही है। तो जब मैं एफ जो है उसका सब्ट्रैक्ट करूँगी 32 में से 6 तो मेरे पास आंसर आएगा 26, ठीक है। उसके बाद अब हमें ई पे जाना है। तो हम क्या देखते हैं कि ई जो है हमने कैसे सीखा था कि देखें ई जो है वो किस किस का प्रीडेसेसर है, एफ और जी दोनों का। तो हमें अब एफ भी देखना होगा और जी भी देखना होगा। एफ इज़ 26, जी इज़ 27। तो हम फॉरवर्ड बैकवर्ड पास में क्योंकि हमेशा मिनिमम सेलेक्ट करते हैं तो इस वक्त हम क्या सेलेक्ट करेंगे, 26। तो ये 26 जो है वो मेरे ई का क्या बन जाएगा, एल एफ यानी लेटर फिनिश बन जाएगा, ऐसा ही है। ये मेरी एक्टिविटी ई है, इसका मैंने लिखा 26। तो 26 माइनस 9 इट बिकम्स 17, ठीक है। ऐसे मेरी एक्टिविटी ई भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब मैं एक्टिविटी डी पर जाऊंगी। तो डी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ई का ही प्रीडेसेसर था तो जो इसका आंसर आया होगा वही हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। मीन्स जो इसका एल एस है वही यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, तो वो क्या आएगा, 17, ठीक है। अब 17 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका एल एस निकालने के लिए। तो 17 माइनस 8 इट बिकम्स 9, ठीक है। अब डी के बाद क्या है हमारे पास, सी। तो सी जो है वो किसका प्रीडेसेसर था, सी जो है वो एफ का प्रीडेसेसर था। ये देखिए मैं क्वेश्चन से देख के आपको बता रही हूँ कि एक्टिविटी सी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ एफ के लिए प्रीडेसेसर थी, ठीक है। तो हम एक्टिविटी एफ को देखेंगे, जो इसका एल एस होगा वही इसका क्या बन जाएगा, एल एफ यानी कि 26। और अब इस सी एक्टिविटी का एल एस निकालने के लिए हमें इस 26 में से 12 यानी कि एल एफ में से एक्टिविटी टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 26 में से जब आप 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आंसर आएगा 14। तो ऐसे हमारी एक्टिविटी सी भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई।
अब हम चलते हैं एक्टिविटी बी की तरफ। तो एक्टिविटी बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डी का प्रीडेसेसर थी, ऐसा ही है। तो हम एक्टिविटी डी को देखते हैं। एक्टिविटी डी जो है वो हमारे पास क्या आई है, 9 आई है। तो हम यहाँ पर भी एज इट इज़ क्या करेंगे कि 9 लिख देंगे। और अब जब हम 9 - 9 करेंगे एल एस निकालने के लिए, तो वो आएगा हमारे पास 0, ठीक है। और अब हम एक्टिविटी ए की तरफ चलते हैं। तो एक्टिविटी ए जो है वो हमारे पास एक्टिविटी सी और डी दोनों के लिए प्रीडेसेसर यूज़ हुई है। तो हमें एक्टिविटी सी और डी दोनों को देखना पड़ेगा। सी मेरे पास है 14 और डी है मेरे पास 9। तो क्योंकि बैकवर्ड पास हम मूव कर रहे हैं, हम मिनिमम सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है। और अब 9 - 7 करेंगे हम, तो हमारे पास एल एस आ जाएगा, जो कि आएगा क्या आएगा, 2। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, हमारी जो अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटर स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश थे, वो जो हैं वो सारे के सारे कैलकुलेट हो चुके हैं। अगला हमारा क्या काम होता था, अगला हमें एक इस तरीके का टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेना होता था, ऐसा ही है। ये देखिए, ये मैंने तमाम एक्टिविटीज़ लिखी हैं, ये उनके अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटर स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश कहाँ से लिखे हैं मैंने, ये रहे सारे, ठीक है। ये मेरे पास एक्टिविटी है, ये उसका अर्लीस्ट स्टार्ट है, ये अर्लीस्ट फिनिश है, ये लेटर स्टार्ट है और ये लेटर फिनिश है, ठीक है। तो ये मैंने तमाम एक्टिविटीज़ के क्या किए, टेबल में लिख लिए। उसके बाद अब हमें अगर कोई चेक करना होता है कि हमारी एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे है या नहीं, तो हमने क्या बात डिस्कस करी थी, हमने डिस्कस किया था कि हमें स्लैक निकालना है। स्लैक के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक था दिस एल एस माइनस दिस ई एस, और एक दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि एल एफ माइनस ई एफ, ठीक है। तो हमने इस वक्त ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, एल एस माइनस ई एस वाला। तो ये देखिए, 2 - 0 इट बिकम्स 2, तो हमने आंसर लिख दिया 2। 0 - 0 आंसर आया 0, 14 - 7 आंसर आया 7, फिर आया आपके पास 17 - 17 आंसर 0, 26 - 26 0, 32 - 32 0, एंड देन 32 - 31 इट बिकम्स 1। तो जिस भी एक्टिविटी का स्लैग 0 आता है, मींस वो क्रिटिकल पाथ पे होती है। तो हमने जिस जिस का भी 0 आया उस पर यस यस लिख दिया, और जिसका भी हमारे पास नॉन 0 आया तो हमने उस पर नो लिख दिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारी एक्टिविटी बी, डी, ई और एफ जो है वो क्रिटिकल पाथ पे है। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है इसको अंडरलाइन कर देना है कि हमारी एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी ये देखें इस तरह से अंडरलाइन होगा, एक्टिविटी बी और कौन सी थी हमारी, एक्टिविटी ये देखिए डी ई, नहीं डी है, हाँ डी ई और एफ, ठीक है, ये तीन। तो डी ई और ये एक्टिविटी एफ, ये जो है हमारी वो क्या बन रहा है, ये इस तरह से हमारा ये वाला जो पाथ है ना, वो हमारा क्या बन रहा है, क्रिटिकल पाथ। तो अगर मुझे क्रिटिकल पाथ जो है उसका टाइम कैलकुलेट करना है, तो वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, इस बी का एक्टिविटी टाइम जो कि था 9, प्लस डी का एक्टिविटी टाइम जो कि था 8, प्लस बी डी ई जो कि इसका टाइम है 9, प्लस एक्टिविटी एफ जिसका टाइम है 6, ठीक है। तो ये आप ऐड कर लीजिए, 9 - 9 - 9 = 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32 बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा एक्टिविटी टाइम जो हमारा बन रहा है टोटल, वो आ रहा है 32। और क्योंकि ये सब वीक्स में थे, तो हम लिख देते हैं कि हमारा जो क्रिटिकल टाइम आएगा वो कितना आएगा, 32 वीक्स का आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है कम्प्लीटली। और ये क्वेश्चन हमने किससे सॉल्व किया है, हमने अपना जो सेकंड फॉर्मेट पढ़ा था उससे सॉल्व किया है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और क्रिटिकल पाथ मेथड का टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। प्लस इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।